हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। मोकामा में अपराधियों ने एक वृद्ध किसान को मारी गोली, मौके पर किसान की मौत, घटनास्थल से 10 खोखे बरामद। बालाचट्टी के सोभ में पुलिस और नक्सली के बीच हुई मुठभेड़, 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली ढेर। बेगूसराय में मामूली से विवाद में हत्या की वारदात, एक दोस्त ने की अपने ही दोस्त की हत्या। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मुकामाडाल क्षेत्र के रामनगर गांव में अपराधियों ने एक वृद्ध किसान त्रिवेणी यादव को गोलियों से भून डाला। गोली लगते ही त्रिवेणी यादव की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हत्या की इस घटना के बाद दो पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची घोसवारी पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बता दें कि घोसवारी पुलिस ने घटनास्थल से 10 खोखे भी बरामद किए हैं। गया के बालाचट्टी के सोभ में पुलिस और नक्सली के बीच हुई मुठभेड़ में 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली समेत 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। वही घटना में घायल ग्रामीण के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। गया पुलिस इस घटना के बाद पूरी तरह सतर्क होकर क्षेत्र में पुलिस सर्च अभियान चला रही है। हम लोग का पता नहीं, हम तो मगर निकल था ना सर, नहीं हम लोग का पता नहीं। जब आया तब अभी बड़ा बोले कि चले जाओ। हाँ, कितने लोग घायल आए ये भी नहीं बता सकते। सुनने में आ रहा है कि तीन जो पटना गया। अच्छा, पटना गया तो ये मतलब कि क्या गोली लगा हुआ है, क्या हुआ? तो वो भी पूरा इतना पता नहीं है कि गोली लगा हुआ क्या है, लेकिन यही खाली बड़ा हम बोले कि चले जाओ। कहाँ की घटना है? हुआ था क्या? नाक देखना है तो क्या हुआ था? जलते हैं तो साथ में होने से गोली चल गया। कौन चलाया था? कहाँ नाम का नाम पता है, वही हाथ से कहाँ को लाग दी। तुमको लगा कहाँ पे लगा के कब हुआ था घटना? बेगूसराय में मामूली विवाद में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर शव को उसके घर के सामने फेंक दिया। घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र के चिल्लाई रामपुर की है। वही परिजनों ने सोनू कुमार की हत्या का आरोप राजकुमार ताती पर लगाया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। 8:30 बजे सोनू कुमार और राम कुमार दोनों खाया पिया एक साथ और झगड़ा झाँटी किया, उठम पटकी। उसमें दोनों चैलेंज किया कि हम तुमको मार देंगे, तुम हमको मार देना। इसके बीच हम लोग अपने घर परिवार से दो भाई और एक पिताजी थे, जिसको पकड़ के घर में लाए और एक आधा घंटा तक उसको दबा के घर में रखे। फांसी लगा करके उसकी हत्या की गई। तो हम तो इतने जानते हैं कि जो सही माने में कल्पित है उसको बक्सा नहीं जाए और जो निर्दोष लोग हैं नहीं किया जाए, ये हमारा कहना है। पुलिस वालों से भी कहेंगे। मोकामाडाल क्षेत्र के घोसवरी थाना क्षेत्र के गोसाई गांव में बाइक और कार की हुई जोरदार टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा सरमेरा मोकामा नेशनल हाईवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि युवक विकास कुमार नवादा जिले के औरैना गांव का रहने वाला था। इस हादसे में जख्मी विकास को घोसवरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उसकी जान नहीं बच सकी। घोसवरी पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही गाड़ी को भी जब्त कर तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर वैशाली जिले के देसरी से है, जहां भिखनपुरा पंचायत के तैयबपुर चौर में 30 वर्षीय युवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की चाकू गोद कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं मृतक के कान के पास होल दिखाई देने के कारण गोली मारने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुटी है। देखिए, अभी तक बॉडी की पहचान नहीं हुई है और हम लोग को जानकारी मिली थी, हम लोग बगल के लोग हैं, तो हम लोग जब पहुँचे तो यहाँ जो है लगा कि इस लड़का का हत्या की आशंका है, चाकू का दाग है
और कई जगह जगह जो है कटा फटा का निशान है, गर्दन जो है लगता है रस्सी से या जो है किसी चीज़ से दाब करके हत्या की गई है। यानी हत्या प्रतीत हो रहा है? हत्या प्रतीत हो रहा है। पहचान हुई है या नहीं? पहचान अभी तक नहीं हुई है और पदाधिकारी अभी पहुंचे हैं, पुलिस पदाधिकारी। कुर्था के कुतुबपुर गांव में एक युवक की बाइक और ट्रैक्टर में आग लगा दी गई थी, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल का एक शिष्टमंडल गांव पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस दौरान राजद नेताओं ने कहा कि इस घटना में शामिल असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामला नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर रेफरल अस्पताल का है, जहां एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया जो गंभीर बीमारी से ग्रसित था, लेकिन इस बात की जानकारी न तो किसी चिकित्सक ने और न ही किसी स्वास्थ्य कर्मियों ने ही उसके परिजनों को दी। वह स्थिति गंभीर होने पर परिजन इलाज के लिए उसे पटना ले गए, जहां बच्चे की मौत हो गई। वहीं अस्पताल की लापरवाही को लेकर बच्चे की मौत के बाद पिता न्याय के लिए स्वास्थ्य विभाग से लेकर डीएम तक गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अंततः आम लोगों का साथ मिला और नागरिकों के सहयोग से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसी बीच सर मैं अपने बच्चे को लेकर अस्पताल, निजी अस्पताल बिहार शिफ्ट गया और बिहार शिफ्ट जाने के एक दिन बाद उन्होंने कहा कि बच्चा का यहाँ कोई उपाय नहीं, आप पटना ले जाइए। मैं दो दिन पटना में रखा सर, और दो दिन के बाद बच्चे की हमारी देहांत हो जाती है। सर बताइए इसमें किसका गलती है? क्या अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर है? नहीं सर, उस दिन तो कोई महिला डॉक्टर नहीं थी, कोई डॉक्टर ही नहीं था सर। दो मात्र दो महिलाएं थी जो कि नर्स थी, और वही दो मिलके प्रसव कराती है सर, वही दोनों मिलकर प्रसव कराई, कोई डॉक्टर नहीं था। क्या आप लोग का मांग किया? मेरा मांग है सर अविलंब जो भी दोषी हैं इसको उनको सजा दिया जाए। भागलपुर जिला अंतर्गत गोराडीह प्रखंड के मुरहन जमीन पंचायत के वर्तमान मुखिया विजय कुमार मंडल के द्वारा सरकारी पदाधिकारियों की मिलीभगत से विभिन्न योजनाओं के द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। बताया जा रहा है कि मुखिया विजय कुमार मंडल और पूर्व पंचायत रोजगार सेवक संतोष कुमार द्वारा पंचायत अंतर्गत गाँव के 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों का भी मनरेगा में जॉब कार्ड बनवा दिया गया है और उन लोगों की जानकारी के बिना ही उनकी उपस्थिति बनाकर उनके नाम से पैसे निकाले गए हैं। वही मनरेगा में एक ही कार्य का 2-3 बार नाम बदल कर राशि का भी गबन किया गया है। ये 2016 में इधर देख के बोलो क्या गया था काम धंधा का उद्घाटन, आज तक नहीं हुआ। 2020 भी अब खत्म होने वाला है, किसी को शुद्ध पानी भी नहीं मिला है। आज जो दिया गया है जल बोर्ड, ये शुद्ध पानी है ही नहीं, बिल्कुल जैसे बोरिंग का पानी है उसी तरह है, कोई केमिकल से शुद्ध नहीं है, बिल्कुल खराब पानी है। खराब पानी क्या हम लोग को जब इमरजेंसी पीना पड़ता है, हम लोग को पैसे नहीं है जो कि हम फिल्टर वाला पानी मंगाएंगे। बेगूसराय में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक स्वर्ण व्यवसायी के पुत्र का न सिर्फ अपहरण कर लिया बल्कि 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग भी की। घटना गढ़हारा थाना क्षेत्र के बारो बाजार की है। अपहरण की घटना के विरोध में स्थानीय व्यवसायियों ने बारो बाजार को बंद कर दिया और पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी की। वही घटना की सूचना पर एसपी अवकाश कुमार ने सदर डीएसपी राजन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया, जो अपहरित के बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। मामला किडनैपिंग का है। सुबह डेली का उसका रूटिंग था, रेलवे इंटर कॉलेज खेलने के लिए वो जाता था और रेलवे इंटर कॉलेज से 10 कदम पहले जो है उसको किडनैप किया गया। बात करें अरवल की तो ब्राह्मण जन चेतना मंच ने अब भूमिहार ब्राह्मण के बच्चों के भविष्य संवारने का बीड़ा उठाया है। इस मामले की जानकारी अरवल जिले के दौरे पर आए ब्रह्मजन सुपर 100 के महासचिव बाल मुकुंद शर्मा ने बिहार न्यूज के माध्यम से देते हुए कहा कि भूमिहार ब्राह्मण समाज के गरीब और बेघावी बच्चों के लिए ब्रह्मजन सुपर 100 एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चयनित 100 बच्चों को फ्री में छात्रावास, ट्यूशन और खाने की व्यवस्था समेत मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 23, 24 और 25 नवंबर को परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। आजादी के बाद यह पहला बार अभ्यानंद सर द्वारा इस सुपर 100 ब्रह्मजन का, जो ब्रह्मजन चेतना मंच के द्वारा
ये बच्चों को 23, 24, 25 टेस्ट लिया जाएगा और उसमें जो चयनित अभी 1200 ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें जो टेस्ट 100 आदमी का लिया जाएगा, वह टेस्ट के अनुसार जो भी बच्चा टैलेंटेड चुने जाएंगे उनके द्वारा, वह मुफ्त का कोचिंग, मुफ्त का हॉस्टल, आवासीय में रहना, खाना, माने गुरुकुल टाइप का एकदम होगा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।